आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे सिस्टम के वॉइस रिकॉर्डर को यूज किया होगा या यूज कर भी रहे होंगे, और ये अलग अलग रिकॉर्डर अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। आज के इस वीडियो के जरिए हम एक पाइथन का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसके जरिए हम पाइथन के थ्रू एक अपना खुद का एक वॉइस रिकॉर्डर बनाएंगे, जिसके थ्रू हमारी जो भी वॉइस होगी वो रिकॉर्ड करके हमें यहाँ पर सेव करके लाके रखेगा। तो आज के इस वीडियो के जरिए हम यही काम यहाँ पे करने वाले हैं। यदि आपको पाइथन, मशीन लर्निंग या और भी किसी स्किल्स को सीखना है तो आप WsCube Tech के ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के अंदर ज्वाइनिंग करके या फिर courses.WsCube Tech में अपना प्रीमियम कोर्स परचेज करके अपने स्किल्स को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। Hey everyone, once again, welcome to WsCube Tech, myself Gaurav, और आज की इस वीडियो के जरिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपना खुद का एक वॉइस रिकॉर्डर बनाने वाले हैं। चलिए पहले मैं इसको डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ एंड देन उसके ऊपर हम यहाँ पे वर्क करेंगे। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे test.py नाम से एक पाइथन की फाइल है, मैं इसे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद में मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डर आ चुका है। इस वॉइस रिकॉर्डर के अंदर मुझे क्या करना है, अपनी टाइमिंग को फिल करना है कि मुझे कितने टाइम के लिए इसे रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये टाइम पूछ रहा है सेकंड के अंदर, तो मैं 10 सेकंड का अपना जो ऑडियो है वो इसे रिकॉर्ड करूंगा। फिर ये पूछ रहा फाइल का पाथ, मतलब आप इसे फाइल का पाथ क्या देना चाह रहे हैं। तो मैं इसके अंदर जो फाइल का पाथ है वो डायरेक्टली डी ड्राइव ही रखने वाला हूँ यहाँ पर, एंड डी ड्राइव के अंदर एक काम करते हैं कुछ और नाम से रख लेते हैं, जस्ट लाइक मैं पाइथन के नाम से यहाँ पे रखूंगा यहाँ पे, एंड देन सेलेक्ट फोल्डर करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो पाथ है वो मेरे पास पाथ आ जाएगा। एंड जैसे इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसके थ्रू हमें लिखा आएगा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट, एंड देन उसके बाद में रिकॉर्डिंग एंड भी लिखा आएगा। चलिए इस बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और अब मैं यहाँ पे 10 सेकंड तक जितनी भी बातें बोलने वाला हूँ ये सारी बातों को मेरे पास रिकॉर्ड करेगा और मुझे यहाँ पर लाके रखेगा। अब मेरे पास एक मैसेज आने वाला है जो कि रिकॉर्डिंग एंड का आएगा। बिल्कुल, मेरा रिकॉर्डिंग एंड का मैसेज आ चुका है आफ्टर 10 सेकंड। चलिए अब हमारी रिकॉर्डिंग को देखते हैं कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे आई है। तो ये रही हमारे पास पाइथन demo.wav के नाम से हमारी यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ चुकी है, और जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए मेरी जो आपके पास ऑडियो है वो आ चुकी है। अभी मैं अपने आप को म्यूट करता हूँ और इस वॉइस को सुनता हूँ कि इसने मेरी रिकॉर्डिंग की है या नहीं की है। और अब मैं यहाँ पे 10 सेकंड तक जितनी भी बातें बोलने वाला हूँ ये सारी बातों को मेरे पास रिकॉर्ड करेगा और मुझे यहाँ पर लाके रखेगा। अब मेरे पास एक मैसेज ओके चलिए तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इसने क्या करके है, अपनी मेरी जो वॉइस है इसने यहाँ पे रिकॉर्ड करके मुझे लाके दे दी है। तो इस तरह से आप अपना खुद का भी एक वॉइस रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। तो मैं पहले आपको इस पुराने वाले वॉइस रिकॉर्डर को बंद कर देता हूँ और ले चलता हूँ पाइथन के अंदर जहाँ पे हम हमारा ये कोड लिखने वाले हैं। अब देखिए वॉइस रिकॉर्डर यदि आपको बनाना है तो उसके लिए आपको पाइथन की एक फाइल की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड देन आपके पास वॉइस को सेव करना है तो उसके लिए भी आपको पाइथन का एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। चलिए पहले उन दोनों फाइलों को लेके आते हैं और उसके बाद अपना खुद का एक रिकॉर्डर बनाते हैं। तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के अंदर। क्रोम ब्राउजर के अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको पाइथन की जो फाइल है जिसके थ्रू आपकी वॉइस जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट करेगी, उस फाइल का नाम है आपके पास साउंड डिवाइस। यस, आपको साउंड डिवाइस डॉट पाइथन को सर्च करना है यहाँ पे, एंड साउंड डिवाइस के अंदर आपको पिप इंस्टॉल साउंड डिवाइस आपको मिल जाएगा। ये जो कोड है इसे आप कॉपी करें, एंड कॉपी करने के बाद में आपको नीचे जाना है सर्च बार के अंदर, और सर्च बार में जाने के बाद में आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। फिलहाल यदि कमांड प्रॉम्प्ट आपके सिस्टम के अंदर डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे cmd लिखने के बाद भी आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं फिलहाल। और यहाँ पे जो आपने कोड कॉपी करके लाए हो वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड देन आप एंटर कीजिए। तो फिलहाल मेरे सिस्टम के अंदर साउंड डिवाइस जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। यदि आपके सिस्टम के अंदर नहीं होगा तो आपके पास ये डाउनलोडिंग प्रोसेसर चलेगा। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए मुझे scipy की लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू मेरी जो फाइल है वो सेव होने वाली है। तो मैं यहाँ पे scipy जो हमारी पाइथन की लाइब्रेरी है उसको मैं लूंगा। इसको भी आप अपने सिस्टम के अंदर क्या करें, इंस्टॉल कर लें यदि आपके सिस्टम के अंदर नहीं है तो। फिलहाल मेरे सिस्टम के अंदर ये भी है लेकिन मैं आपको इंस्टॉलेशन का जो तरीका है वो आपको बता देता हूँ। तो पिप इंस्टॉल scipy है, ये क्या करेगा आपके पास जो रिकॉर्डिंग की जो फाइल है उसे सेव करेगा यहाँ पे। तो फिलहाल ये भी आपके पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आपके दिखा रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर ये है। चलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बिना GUI का आपको एक रिकॉर्डर बना के दिखाऊंगा कि बिना GUI आप कैसे रिकॉर्डर बना सकते हैं, फिर आप उसे GUI के साथ कनेक्ट करके भी आप अपना रिकॉर्डिंग बना सकते हैं। चलिए पहले बिना GUI के साथ सीखते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, और इम्पोर्ट किसे करना है, आपको साउंड डिवाइस को करना है। तो मैंने जो अभी अभी इंस्टॉल किया था यहाँ पे साउंड डिवाइस वही आपको करना है, देन साउंड डिवाइस को लेंगे। ये क्या करेगा, आपके सिस्टम के जो माइक है उसे इनेबल करेगा और इनेबल करके उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट करेगा। देन आपकी फाइल को यहाँ पे सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको कहाँ जाना है, फ्रॉम आपके पास जाना है scipy के अंदर। scipy के अंदर आपके पास मिलेगा आपको IO डिवाइस, IO से आपके पास इनपुट आउटपुट आपके पास काम करता है। देन डॉट लगा के आपके पास यहाँ पे मिलेगी वेव फाइल।
वेव फाइल से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने साउंड को रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हो। अब आप बोलोगे सर वेव फाइल क्या होती है, देखिए आपके पास जो ऑडियो फाइल होती है, ऑडियो फाइल के अंदर आपके पास चलती है वेव, उस वेव के ऊपर आपके जो ऑडियो है, जो वॉइस है, वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट होती है। तो बेसिकली आपके पास जो MP3 फाइल जो होती है वो एक तरीके की वेव फाइल ही होती है, जो कि अलग अलग KBs पर सेकंड के अंदर आपके पास चलती रहती है। तो वही फाइल आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आपकी वेव फाइल है ये। राइट फंक्शन से आप अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। चलिए अब इस प्रोसेसर को पहले हम यहाँ पे स्मॉल प्रोजेक्ट के थ्रू करते हैं, फिर इसके ऊपर पूरा GUI बना के हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो पहला काम क्या होगा यहाँ पे कि ये जो वेव फाइल है, इस वेव फाइल के अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरी साउंड को रिकॉर्ड करना चाहिए। यहाँ पे मैं अपना एक खुद का फंक्शन क्रिएट करता हूँ, तो मैंने डेफ कीवर्ड से अपना फंक्शन बना रहा हूँ और फंक्शन का नाम मैं रखूंगा यहाँ पे सेव फाइल। तो मैंने यहाँ पर सेव फाइल के नाम से अपना फंक्शन डिजाइन कर दिया। सेव फाइल के अंदर मैं दो चीजें पास करूंगा, पहला होगा यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे मेरे फाइल का नाम, एंड सेकंड चीज होगी मेरे फाइल के सेकंड, मतलब कितने सेकंड के लिए रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे सेकंड दे देता हूँ। दूसरा मेरे पास फाइल का पाथ है, यस फाइल का पाथ, दैट्स मैं यहाँ पे पाथ के हिसाब से इसका दे देता हूँ कि फाइल का नाम है, पाथ जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। और प्रिंट लगा देते हैं, यदि आपकी रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट होगी तो मैं यहाँ पे स्टार्ट मेथड को प्रिंट करूंगा, राइट स्टार्टिंग लिखूंगा, और उसके बाद अब हमारी साउंड को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपका जो साउंड डिवाइस है, ये साउंड डिवाइस के अंदर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे REC के नाम से आपके पास क्या होगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी यहाँ पे। अब इस रिकॉर्डिंग के अंदर सबसे पहले आपको देना पड़ेगा फ्रेम, यस फ्रेम आपको देना पड़ेगा। फ्रेम का मतलब ये होता है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो कितने पर सेकंड के हिसाब से रिकॉर्ड होनी चाहिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सिखाऊं बताऊं आपको। तो आपकी जो साउंड है यहाँ पे, यदि आपकी साउंड की बात करें, आपकी रिकॉर्डिंग की बात करें यहाँ पे, तो जो रिकॉर्डिंग होती है, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग की लिखता हूँ यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग। तो वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर आपके पास क्या होती है, इसकी वेव होती है, मतलब इसके अंदर आपके पास रिकॉर्ड करने का तरीका होता है, एक पैटर्न होता है कि एक सेकंड के अंदर इतनी वेव्स आपके पास आनी चाहिए, तब जाके आपका जो साउंड है वो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे आप कोई MP3 फाइल को देखते हैं, तो MP3 फाइल जो होती है वो KBs के अंदर होती है, तो उसके अंदर एक सेकंड के अंदर उतने नंबर ऑफ पर KBs आपके हिसाब से डेटा चल रहा होता है। तो ये सारी चीज होती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वॉइस रिकॉर्डिंग सैंपल। तो जब आप यहाँ पे वॉइस की रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आपके सैंपल्स मिलते हैं कि आप कितने पर सेकंड के हिसाब से अपनी वॉइस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग सैंपल रेट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग सैंपल रेट यहाँ पे दिखाऊंगा कि वॉइस रिकॉर्डिंग की क्या सैंपल रेट होती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की वॉइस रिकॉर्डिंग की सैंपल रेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे देखिए आपके पास बात करूँ यहाँ पे, देखिए आपके पास 440 Hz के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या मिलती है, आपके वॉइस रिकॉर्डिंग की आपको सैंपल रेट देखने को मिल जाती है। तो देखिए ये जो डेटा है वो आपके पास किस में है, किलो हर्ट्ज में है, तो आप यहाँ पे इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो आपके पास क्या होती है, सैंपल रेट होती है, राइट। तो मोस्ट कॉमन जो सैंपल रेट होती है वो 441 किलो हर्ट्ज से लगाकर 48 किलो हर्ट्ज तक आपकी जो सैंपल रेट होती है वो होती है, जो कि अगर बहुत आपके पास जो कॉमन वॉइस होती है उसकी सैंपल रेट आपको देखने को मिलती है। तो वही चीज आपको यहाँ पे देनी है। तो बेसिकली आपके पास कितने सेकंड के लिए आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट्स वो चीज। इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है सैंपल रेट से। तो मैं किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हुए लिखूंगा, तो 44100, राइट। ये मैंने यहाँ पे इसको किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करके लिख दिया है यहाँ पर। देन सेकंड चीज आपके पास आती है सैंपल रेट, जो कि आपने अभी भी लिखी है, तो वो सैंपल रेट आपको बतानी पड़ेगी दोबारा आपको। तो मैंने यहाँ पर सैंपल रेट दोबारा बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है चैनल्स, यस चैनल्स होते हैं आपके पास कि आप कौन से चैनल पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर चैनल जो है वो यहाँ पे 2 दूंगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। अब ये जो डेटा आपके पास आ रहा है जो रिकॉर्डिंग का है, इसे आप कहीं पे सेव कर लीजिए। तो मैं REC मतलब रिकॉर्डिंग के ऊपर रख लेता हूँ यहाँ पर। REC वैसे फंक्शन है, तो REC कर देता हूँ यहाँ पर। ये आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट, ये जो रिकॉर्डिंग आपके पास हुई है यहाँ पे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, जब तक आपका वो टाइम चल रहा है, जितने सेकंड के लिए आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, जो आप टाइम दे रहे हैं वो टाइमिंग आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपका काम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साउंड डिवाइस को कॉल करूंगा डॉट, यहाँ पे हमारे पास होता है वेट फंक्शन, जो कि क्या करता है, वेट करता है। जैसे ही वेट हो जाएगा उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपनी फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपके पास राइट फंक्शन है, उस राइट फंक्शन को आप यूज कीजिए। राइट फंक्शन के अंदर सबसे पहला आता है फाइल का नाम, कि आप क्या फाइल का नाम रखना चाहते हैं। demo.wav यहाँ पे फाइल का नाम रखूंगा। देन सेकंड चीज होती है आपकी रेट, कौन से रेट के हिसाब से आप चला रहे हैं यहाँ पे, तो रेट आपको देनी पड़ेगी। तो 4100 यहाँ पे इसकी रेट रखूंगा। एंड सेकंड चीज आती है आपके पास यहाँ पे आपका एरे, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग आपके पास मिली है, तो मैं यहाँ पे REC जो आपके पास रिकॉर्डिंग है दैट्स ये दूंगा। और जैसे ये कंप्लीट हो जाती है तो मेरे पास एक मैसेज आ जाना चाहिए, प्रिंट आपके पास एंड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड का एक मैसेज प्रिंट करा दिया है।
चलिए अब हमारी जो फंक्शन जो फाइल है उसको यहाँ पे भेजते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सेव फाइल को कॉल करते हैं, तो मैंने सेव फाइल को यहाँ पे कॉल किया। अब ये जो डेमो डॉट पी वाई यहाँ पे रखा ना, आप इसके अंदर पाथ वगैरह भेज सकते हो, नहीं भी भेज सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो डिवाइस है मैं उसी के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे सेकंड ही भेजना पड़ेगा। मैंने फाइल का नाम ऑलरेडी यहाँ पे पास करवा दिया है। चलिए अब मुझे कितने सेकंड के लिए रिकॉर्ड करना है, तो मैं 10 सेकंड के लिए इसे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। सेव फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, 10 सेकंड दूंगा, तो ये 10 सेकंड के लिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा। चलिए इसे रन करते हैं, और जैसे ही आप रन करेंगे तो देखिए आपका स्टार्ट हो चुका है और आपकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होंगे आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी, और आपके पास एंड का एक मैसेज आपके पास सामने आ जाएगा। देखिए एंड हो चुका है और मेरी रिकॉर्डिंग एंड हो गई है। और जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए पाइथन के अंदर क्या है कि जो मैंने एड्रेस दिया है वो पाइथन का खुद का एड्रेस है जहाँ पे मेरा पाइथन ओपन हुआ है। यहाँ पे देखिए डेमो डॉट वेव फाइल मेरे को मिल चुकी है, और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके प्ले करूंगा, और प्ले करने पर ये मुझे बोल रहा है टेक्स्ट वगैरह जो भी है आप दे सकते हैं, टेक्स्ट की फाइल है, लेकिन मुझे पता है मेरी वेव की फाइल है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इस फाइल के अंदर, और ये फाइल है मेरे पास पाइथन प्रोजेक्ट 1, और यहाँ पे देखिए मेरी डेमो डॉट वेव फाइल यहाँ पे बन चुकी है। और इसको प्ले करते हैं, और जो मैंने अभी बोला था वो सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है। देखिए वेट करते हैं, ये फाइल मेरे पास रन हो रही है यहाँ पे, देखिए आपका स्टार्ट हो चुका है और आपकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे 10 सेकंड कंप्लीट होंगे आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी, और आपके पास एंड का एक मैच। बस देखिए आपके पास इस तरह से मेरी फाइल रिकॉर्ड हो चुकी है। तो आप इस तरह से अपना खुद का एक रिकॉर्डर बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल रिकॉर्डर है, ये हमने केवल कोडिंग के बेसिस पे बनाया है। अब हम इसके अंदर जीआई लगाएंगे, और जीआई के थ्रू हम इसके अंदर वो सारे लोगोस वगैरह लगाएंगे, बटन वगैरह लगाएंगे, और वो सारा कुछ काम यहाँ पर देने वाले हैं। तो फिलहाल मैं इस काम को क्या करता हूँ यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। चलिए अब हम यहाँ पे एक एक करके स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को लगाना। तो मैं पहले फ्रॉम किसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे टिक एंटर के पास जाता हूँ, और टिक एंटर के अंदर जाने के बाद दैट्स मैं इंपोर्ट करूंगा, और इंपोर्ट कैसे लगाऊंगा, स्टार लगा करूंगा, एक मेरा काम ये होगा। दूसरा मेरे पास काम क्या है, फ्रॉम टिक एंटर के अंदर जाऊंगा, टिक एंटर के अंदर जाने के बाद मैं आपके पास क्या है यहाँ पे मैसेज बॉक्स है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज दिखाने हैं, दैट मैं मैसेज बॉक्स रखूंगा, और मैसेज बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे सो इन्फो इन्फॉर्मेशन दिखानी है, दैट्स इन्फो लगूंगा, जो पॉपअप आता है ना यहाँ पे स्टार्ट और एंड वाला, दैट्स अ इन्फो मैसेज राइट, वो मुझे यहाँ पे दिखाना है, दैट्स फ्रॉम। उसके बाद मैं यहाँ पे टिक एंटर के पास जाऊंगा, और जो मेरा एड्रेस गेट करता है वो हमारे पास कौन सा होता है, फील्ड डायलॉग बॉक्स होता है, फील्ड डायलॉग में जाना है, और फाइल डायलॉग के अंदर जाने के बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे आस्क के ऊपर क्लिक करना है, और आस्क डायरेक्टरी को कॉल करना है ताकि ये मुझे डायरेक्टली ला के दे, ठीक है। चलिए अब हमारी जीआई को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके थ्रू मेरी जीआई जो है वो स्टार्ट होगी, और उसके अंदर नेम वगैरह जो भी है हम इसे प्लेस करेंगे। तो डेफ कीवर्ड से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और ये मेरी पास क्या है, मेन विंडो है, तो मेन अंडरस्कोर मैं यहाँ पे विंडो के नाम से आपके पास एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरा मेन विंडो काम करेगा। और मेन विंडो के अंदर क्या होगा यहाँ पे कि मेरे पास ये जो टिक एंटर है ना इसके थ्रू आपकी जीआई बनना स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले मैं विंड नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और यहाँ पे जो टी के नाम की क्लास है इसको कॉल करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे विन डॉट यहाँ पे मैं मेन लूप का इस्तेमाल करूंगा जिसके थ्रू आपके पास ये जो लूप है वो कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, इसके अंदर आपके पास इसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे कि क्या विड्थ और क्या हाइट होनी चाहिए, तो मैंने ज्योमेट्री यहाँ पे लगा दी है। ज्योमेट्री के अंदर जाने के बाद मैं इसकी हाइट ऑफ विड्थ को डिसाइड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे दूंगा हाइट ऑफ विड्थ, तो मैं काम करता हूँ 500 पिक्सल इंटू आपके पास यहाँ पे 700 पिक्सल्स का यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। विड्थ को मैंने कम रखा और हाइट को मैंने ज्यादा रखा है। चलिए इस विंडो को देखने के लिए मैं वापस जाता हूँ, और मेन लूप डॉट विंडो को मैं कॉल करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक विंडो निकल के आ जाएगी, ये देखिए विंडो निकल के आ गई है, और 700 काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको कम करके 600 के आसपास कर देते हैं, राइट 600 करते हैं, और फिर रन करते हैं। तो बिल्कुल हमारी जो विंडो है वो हमारे पास आ चुकी है। अब इसके ऊपर मुझे वही लोगो वगैरह सब कुछ लगाना है, तो वो आप लगा सकते हैं। चलिए पहले तो मैं यहाँ पे विन डॉट यहाँ पे टाइटल देता हूँ, और टाइटल के अंदर जाके टाइटल नाम दे देता हूँ WsCube, क्योंकि ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, WsCube Tech के लिए बना रहे हैं, दैट WsCube Tech रख देते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज क्या है, मुझे इसके अंदर कलर रिफिल करना है, तो विन डॉट यहाँ पे मैं कॉन्फिग का इस्तेमाल करूंगा, और कॉन्फिग के अंदर जाके मैं इसके अंदर जाऊंगा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जैसा कि मेरे पास ब्लू था इस बार येलो वगैरह ले लेते हैं, तो दैट्स मैं यहाँ पे येलो कलर डाल देता हूँ, राइट। और येलो कलर मेरे पास कॉन्फिग कलर भी आ चुका है यहाँ पे। अब इस ज्योमेट्री को मुझे रिसाइज नहीं करना है, तो बेसिकली मुझे विन डॉट यहाँ पे आपके पास रिसाइजेबल नाम का आपके पास फंक्शन होता है उसको कॉल करना पड़ेगा, और इसके अंदर मुझे फॉल्स कॉमा फॉल्स को पास कराना पड़ेगा जो कि मेरे पास रिसाइजेबल को बंद कर देगा, राइट। चलिए ये मेरा प्रॉपर ज्योमेट्री अब डिजाइन हो चुकी है, अब मुझे वो यहाँ पे इमेज जो है वो इमेज को प्लेस करना है, तो पहले मैं इमेज जो है वो पर्टिकुलर पाइथन प्रोजेक्ट 1 के अंदर लेके आऊंगा। तो मेरी जो इमेजेस है वो यहाँ पे पड़ी है, और ये पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी है, और पहली इमेज ये है और दूसरी इमेज ये है, राइट। तो ये दोनों इमेज को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और मेरे पास जो मेरा फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर ले जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो ये दोनों इमेज आ चुकी है मेरे पास।
चलिए अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे और अब इन इमेजेस को प्लेस करता हूँ। इमेजेस को प्लेस करने के लिए IMG 1 का इस्तेमाल करूंगा और मेरे पास यहाँ पे क्या है, आपके पास इमेज को गेट करना है तो आपके पास क्या है, फोटो इमेज के नाम से आपके पास फंक्शन होता है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे राइट। और इसके अंदर आपको क्या करना है, फाइल को कॉल करना है और यहाँ पे आपकी फाइल का नाम, मतलब जो इमेज फाइल है उसको नाम देना है। तो आई थिंक मैं प्रीव्यू डॉट इमेज को देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास माइक का सिंबल है और 123 डॉट यहाँ पे देखूँ तो ये इसके अंदर ये वाला सिंबल्स है, तो मुझे ये चाहिए तो मैं 2.rpjpg को इस्तेमाल करूंगा। अब ये इमेज लेबल के थ्रू आपके पास लगती है तो मैं यहाँ पे L1 के नाम से एक लेबल बनाऊंगा और इसके अंदर लेबल को कॉल करेंगे और लेबल के अंदर ये लेबल कहाँ लगाना है, तो मुझे विंडो पे लगाना है। सेकंड चीज, मुझे यहाँ पे इसके अंदर इमेज पैरामीटर देना है तो मैंने इमेज पैरामीटर्स दिया और इसके अंदर जो इमेज वन है दैट्स वो मैं पास कराऊंगा यहाँ पे राइट। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर तो वैसे भी व्हाइट है तो मुझे इसको चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है राइट। अब मुझे L1 डॉट यहाँ पे प्लेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पे प्लेस का इस्तेमाल करूंगा। प्लेस के अंदर एक्स इज इक्वल टू के अंदर मैं काम करता हूँ 20 पिक्सल्स मूव करता हूँ एंड वाई इज इक्वल टू के अंदर भी मैं 20 पिक्सल्स मूव करता हूँ। उसके बाद मेरी हाइट और विड्थ मुझे देनी पड़ेगी, दैट्स मैं हाइट इज इक्वल टू अराउंड, देखिए मेरे पास यहाँ पे टोटल 600 पिक्सल है तो मैं काम करता हूँ 200 के आसपास इसकी हाइट रख देता हूँ। और विड्थ की बात करें तो विड्थ आपके पास 500 है, 360 पिक्सल्स यहाँ पे रख देते हैं ठीक है। चलिए अभी इसे रन करते हैं और देखते हैं हमारी इमेज लगी या नहीं लगी। बिल्कुल हमारी इमेज लग चुकी है और मुझे इसको सेंटर में लाना पड़ेगा और यहाँ पे काफी जगह रह चुकी है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं अराउंड। ये आपके पास जो विड्थ है, आपके पास इमेज की वो विड्थ काफी छोटी है यहाँ पे, आई थिंक 200x200 पिक्सल्स की इमेज है राइट। देखिए मैं विड्थ 200x200 पिक्सल की करके देखूँ तो या 200x200 नहीं है, ये 300x200 होगी आई थिंक। चलिए इसे रन करते हैं, नहीं आपके पास 400x के आसपास की है इमेज। चलिए एक बार फिर से रन करें, बिल्कुल ये 400 के आसपास की इमेज है और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 400 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 100 पीछे रखे तो दैट्स 50-50 यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ पे रन करेंगे तो ये मेरे पास सेंट्रलाइज इमेज हो चुकी है राइट। जो मेरी इमेज है वो सेंटर के अंदर आ चुकी है ओके। चलिए इसके विड्थ को एक काम करते हैं 300 रख के देखें एक बार, हाइट को 300 बनाएं तो हमारी इमेज जो कैसे वैसे दिख रही है, बिल्कुल नहीं 200 पे सही दिख रही थी, दैट्स मैं 200 पिक्सल रखूंगा तो मेरी जो इमेज है वो प्रॉपरली सही तरीके से आ चुकी है जो कि एक म्यूजिक की तरह दिखाई दे रही है ओके। चलिए अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक एंट्री बॉक्स बनाना है जिसके थ्रू मेरे पास जो भी सेकंड मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ वो यहाँ पे गेट होगा, तो एक एंट्री बॉक्स मुझे चाहिए यहाँ पर और ये एंट्री बॉक्स क्या करेगा, सेकंड को गेट करेगा। तो मैं SEC के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंट्री बॉक्स नाम की जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है उसे कॉल करना पड़ेगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे विन लगाऊंगा और इसके अंदर कोई टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉन्ट लगाऊंगा और फॉन्ट के अंदर आप फॉन्ट की टाइप दे सकते हैं यहाँ पे, और फिलहाल मैं फॉन्ट की टाइप्स नहीं दे रहा, फॉन्ट की साइज दे रहा हूँ दैट इज अ 20 पिक्सल राइट। और बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं और फॉरग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, फिलहाल मैं इसमें से कुछ भी नहीं दे रहा। और SEC के अंदर बात करें तो SEC के अंदर डॉट यहाँ पे मैं प्लेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ और प्लेस के अंदर x=2 की बात करें, मतलब x-axis के अंदर कहाँ डिसाइड करना है तो इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पे y-axis दे देता हूँ कि y-axis में मुझे कहाँ रखना है। तो देखिए हाइट 200 पिक्सल है और 20 पिक्सल्स आपके पास है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे राइट। तो बेसिकली बात करें तो जो मैंने यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट बनाया था जस्ट कुछ इस तरह से, इसको हम जरा समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कैसे चल रही है। तो इसके लिए मैं आपको इसकी GUI को थोड़ा समझाने के लिए मैं इसका स्नैप लूंगा, एक बार मैं इसका स्नैप ले लेता हूँ एक बार ठीक है। मैंने स्नैप ले लिया है एंड स्नैप लेने के बाद मैं इसको मैं कहीं पे रख देता हूँ और इसके अंदर थोड़ी डिटेल्स को आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम कर रही है ओके गाइस। तो चलिए इसको जरा समझते हैं यहाँ पे कि किस तरह से क्या काम चल रहा है और कैसे हम इसकी GUI को डिजाइन करने वाले हैं राइट। चलिए मैं यहाँ पे एक नई पाई फाइल बना लेते हैं और इसके अंदर मैं पूरा डिटेल के साथ देखते हैं ओके। चलिए ये रही हमारी इमेज आ चुकी है, अब जरा इसको गौर से देखिए इस इमेज को, यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है ये एग्जैक्ट कितना है, सेंटर के अंदर है और अराउंड ये 200 या 300 पिक्सल्स का आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और पहले मैं वाई एक्सिस की बात करूंगा, तो देखिए वाई एक्सिस क्या है, इसे आपके पास 10 पिक्सल्स के नीचे गैप पे रखा हुआ है। तो पहले देखिए यहाँ पे देखिए हाइट कितनी है, 200 पिक्सल है, मतलब ये जो बॉक्स आपके पास बना हुआ है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये कितने का है, 200 पिक्सल का है और ऊपर से कितना चल रहा है आपके पास यहाँ पर, 20 पिक्सल चल रहा है और ये आपके पास हो गया 10, तो 200 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया यहाँ पे गाइस, तो 230 पिक्सल हो गया। तो बेसिकली वाई एक्सिस में आपके पास कहूंगा 230 पिक्सल्स के ऊपर दिखना चाहिए। अब इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी रहनी चाहिए, तो अराउंड मैं 50 पिक्सल्स रखने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं विड्थ की बात करूँ तो इसकी विड्थ मेरे 200 पिक्सल्स यहाँ पे रखने चाहिए। अब 200 पिक्सल्स के हिसाब से देखें तो एक्स एक्सिस के हिसाब से ये मिडल में दिखना चाहिए, तो देखिए 500 में से 200 चला जाता है मेरे पास तो पीछे रहता है 300, तो 150 आपका रहेगा, तो मैं 150 यहाँ पे रखूंगा, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट मिडल के अंदर
मेरे पास जो बॉक्स है वो आ जाएगा। देखिए एग्जैक्ट मिडल के अंदर आ चुका है और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। ये मेरे पास डेटा आ चुका है। चलिए तो ये मेरे पास टाइम जो है वो टाइम यहाँ पे आ गया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पर कि मुझे लाना है ये टाइम इन सेकेंड, ये एक मैसेज प्रिंट कराना है। तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए मुझे लेबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं L2 नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पे मैं लेबल को कॉल करूंगा। लेबल मुझे लगाना है विंडो के ऊपर एंड नेक्स्ट मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, टेक्स्ट लिखना है। तो मैं टेक्स्ट के लिए लिखूंगा और टेक्स्ट क्या लिखाना है यहाँ पे, टाइम इन सेकेंड, टाइम इन आपको किस में डालना है, एस ई सी सेकेंड के अंदर डालना है। ये मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मैं बात करूंगा किसके बारे में, फॉन्ट के बारे में। तो फॉन्ट के अंदर मैं फॉन्ट दे दूंगा इस बार और मैं दे रहा हूँ यहाँ पे टाइम न्यू रोमन, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइम ड्यू रोमन लिख दिया यहाँ पे। एंड उसके बाद फॉन्ट साइज की बात करें तो फॉन्ट साइज मैं 20 पिक्सल्स रखने वाला हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, देन ये मैंने यहाँ पे रख दिया फॉन्ट साइज 20 पिक्सल इसके अंदर देना है, दैट्स 20 पिक्सल। ओके चलिए अब इस L2 को थोड़ा प्लेसमेंट देते हैं। तो L2 डॉट प्लेस का इस्तेमाल करेंगे और L2 डॉट प्लेस के अंदर अभी फिलहाल मैं एक्स एक्सिस को फिर से दोबारा छोड़ रहा हूँ, वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 230 प्लस 250 होगी आपका 50 और 30 80 हो गया 80 और 10 का गैप आप यदि आप यहाँ देते हैं 290 आपके पास पिक्सल्स यहाँ पे हो चुका है वाई के अंदर। हाइट की बात करें तो हाइट आपका 50 पिक्सल्स काम करेगा एंड विड्थ की बात करते हैं यहाँ पे, तो विड्थ आप यहाँ पर दे सकते हैं अराउंड 300 के आसपास पिक्सल्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपके पास एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे बात करें तो 500 में से 300 गया पीछे रह गया 200, दैट्स आपके पास 100 पिक्सल रह गया, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। चलिए और एक बार इसे रन करके देखें तो आपका लेबल कहाँ प्लेस हो रहा है जरा उसको देख लेते हैं। इंट इज आइटम इज नॉट, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके एक छोटी सी मिस्टेक आ गई है, एक्स एक्सिस मुझे यहाँ पे लिखना था वो मैंने नहीं लिखा, डायरेक्टली 1000 लिख दिया, इस प्रॉब्लम आई। ओके टाइम इन सेकेंड मुझे दिख रहा है लेकिन ये जो विड्थ है वो काफ़ी बड़ी आ चुकी है, कोई बात नहीं इसे एज इट इज यहीं रहने देते हैं। और अब हम क्या करते हैं इसके वाइटनेस को पीछे को हटाते हैं, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बीजी पास करूंगा और बीजी इक्वल्स टू मैं यहाँ पे येलो डाल दूंगा, तो मेरा इसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखिए बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया, टाइम इन सेकेंड मेरे पास आ गया। अब मुझे एक बटन दबाना है और बटन दबाने पर मेरे पास एड्रेस गेट होना चाहिए, ये मेरे पास यहाँ पे काम है। तो चलिए एक बटन बनाते हैं, तो बटन के लिए मैं बी नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ और मैं बटन को कॉल करूंगा। बटन के लिए मैं विंडो को कॉल करूंगा एंड विंडो के अंदर मुझे देना है फॉन्ट वगैरह, तो मैं फॉन्ट वगैरह दे देता हूँ और टेक्स्ट वगैरह लिख देता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट और टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है और फॉन्ट टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या देना है, पाथ देना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगा, पाथ का इस्तेमाल करूंगा कि आप अपना पाथ यहाँ पे डिसाइड करिए। चलिए अब इसके बाद बी डॉट यहाँ पे प्लेस की बारी है, तो मैं बी डॉट प्लेस डाल लूंगा यहाँ पर। प्लेस के अंदर एक्सेस को भी रहन देते हैं, वाई एक्सेस की बारी है सबसे पहले। वाई एक्सेस कितना होने वाला है, तो देखिए 290 प्लस 50 तो अराउंड हो गया आपके पास यहाँ पे 200 आपके पास 40 240 और 10 को एक साथ और जोड़ें तो सॉरी 340 और 350 हो गया यहाँ पे, राइट। उसके बाद मेरी हाइट के बारे में बात करेंगे, तो हाइट यहाँ पर मैं अराउंड 50 पिक्सल ले लूँगा। उसके बाद बात करूँगा विड्थ के बारे में, तो विड्थ अराउंड मैं यहाँ पे 200 पिक्सल्स यहाँ पे डिसाइड करने वाला हूँ, राइट। अब इसी के बेसिस पे यदि मैं एक्स एक्सिस का डेटा लिखूँ तो एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कितना होगा, 150 आपके पास हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा बटन यहाँ पे आया या नहीं आया, बटन का भी अभी काम नहीं कर रहा है लेकिन बटन हमारे पास आ जाना चाहिए। बिल्कुल पाथ के नाम से हमारे पास एक बटन भी यहाँ पे आ चुका है जो कि हम इसे प्रेस करके काम कर सकते हैं, राइट। अब मुझे एक और बटन यहाँ पे बनाना है, राइट, मतलब रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे STA आर्टिस्ट स्टार्ट के नाम से एक बटन बनाने जा रहा हूँ और ये भी मेरे पास क्या बटन है, और इस बटन के ऊपर हमें हमारी इमेज को प्लेस करना है एक्चुअल में। तो हम हमारी इमेज लेके आते पहले, तो इमेज कहाँ से आएगी, तो IMG नाम से आप एक वेरिएबल बनाइए IMG2, क्योंकि IMG1 आपने पहले बना रखा है यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, फोटो आपके पास इमेज को कॉल करेंगे, फोटो इमेज में आपके पास है फाइल, इस फाइल को लगाइए और फाइल के अंदर हमारी इमेज दिखानी है, और कौन सी आपके पास प्रीव्यू इमेज, ये देखिए प्रीव्यू इमेज के अंदर ये बटन पड़ा है, तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू इमेज लेने वाला हूँ, प्रीव्यू इमेज इनटू PNG, राइट। तो ये हमारी इमेज आ चुकी है। अब ये इमेज कहाँ लगानी है, आपको इस बटन के अंदर आपको प्लेस करनी है। तो पहले हम यहाँ पे हमारी विंडो दे देते हैं, उसके बाद हमारी इमेज को प्लेस करना है, तो मैं इमेज नाम से जो पैरामीटर है यहाँ पे उस पर पास कराता हूँ और इसके अंदर IMG2 को यहाँ पे पास करा देता हूँ। ये हमारी इमेज प्लेस हो चुकी है इस बटन के अंदर, राइट। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे इसको प्लेस करना है, तो मैं स्टार्ट डॉट यहाँ पे मैं प्लेस का इस्तेमाल करूंगा और प्लेस के अंदर अभी एक्स एक्सिस को छोड़ते हैं और वाई एक्सिस की बात करते हैं यहाँ पे, वाई एक्सिस कहाँ पे होना चाहिए, तो देखिए 300 × 50 हो गया 400 और 400 × 10 करते हैं यहाँ पे, राइट। तो मैं 410 लेता हूँ यहाँ पे। अब बारी है इसकी हाइट की, तो हाइट अराउंड देखिए मैं इसकी 100 पिक्सल दे रहा हूँ यहाँ पे, और विड्थ की बात करें तो विड्थ भी मैं यहाँ पे
अराउंड 100 पिक्सल्स या 200 पिक्सल्स यहाँ पे रख लेते हैं, राइट right? ये मैंने रख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो मेरे पास एक्स एक्सिस कितना आएगा, 150 पिक्सल्स आने वाला है। एंड देन फिर रन करके देखें यहाँ पे, तो मेरा जो बटन है वो प्लेस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा सा प्यारा सा बटन आ चुका है। लेकिन ये बटन तो बराबर दिख रहा है, लेकिन ये बटन जो है वो छोटा सा है, तो ये 100 पिक्सल्स मेरे पास ज़्यादा आ गया, 200 पिक्सल ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं अराउंड 100 पिक्सल कर देता हूँ। फिर रन करते हैं और एक बार बटन को देखें, बिल्कुल हमारा बटन एकदम सही तरीके से वर्किंग पोजिशन में भी है और अच्छा तरीके से दिख भी रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, ये 100 पिक्सल है और टोटल 500 है तो 400 रह गया पीछे, तो मुझे यहाँ पे 200 देना पड़ेगा। एंड जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये मेरे पास एक सेंट्रलाइज बटन यहाँ पे आ चुका है, जस्ट इस तरह से, क्लियर। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो 2 10 120 लिख देते हैं, तो एक अच्छी सी जीआई मुझे मिल चुकी है जो कि मेरे रिकॉर्डिंग के लिए काम आएगी यहाँ पे, राइट। ये देखिए बटन्स वगैरह सब कुछ काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। एंड यहाँ से आप अपना सेकंड भी यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट, सेकंड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए तो ये पूरा काम मेरे पास यहाँ पे हो चुका है मेरी जीआई का। अब मुझे इन जीआई के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो मैं जीआई के ऊपर अपनी फंक्शनैलिटी ऐड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा कि ये बटन जैसे ही यहाँ पे प्रेस होगा, कौन सा वाला बटन प्रेस होगा, एक तो टाइम वाला होगा जो कि टाइम को गेट करेगा, राइट। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर ये एड्रेस वाला बटन यहाँ पे आएगा जो कि मेरे पास एड्रेस लेके आएगा किसी भी फोल्डर का, जिस फोल्डर के अंदर हम हमारा डेटा यहाँ पर रखना चाहते हैं, राइट, तो वो मुझे एड्रेस वहाँ पे देना पड़ेगा। चलिए एड्रेस वाला फोल्डर वगैरह सब कुछ लेके आते हैं। तो ये जो आस्क डायरेक्टरी है ना, ये आस्क डायरेक्टरी क्या करता है, बटन दबाने पर आपका एड्रेस लेके आता है। तो इस एड्रेस को मैं सेव करता हूँ, तो एडी के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और फिलहाल इसमें नन पास करवा देता हूँ, और एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ के नाम से जो कि क्या करेगा, मेरे पाथ को लेके आएगा। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ फाइल अंडरस्कोर पाथ नाम से, फाइल अंडरस्कोर पाथ के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक फंक्शन डिजाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट, जो कि मेरे पास क्या करेगा, पाथ लेके आएगा। एंड ये पाथ क्या होगा, इस एड नाम के वेरिएबल के अंदर रिप्लेस कर लेगा। तो फिलहाल मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ इस एड को, ताकि इसके अंदर कोई भी डेटा मैं चेंजेस कर सकूँ यूजिंग अ फंक्शन, राइट। अब मुझे क्या करना है, आस्क डायरेक्टरी को कॉल करना है। आस्क डायरेक्टरी क्या करता है, यहाँ पे आपके पास पाथ लेके आता है, तो मैं यहाँ पे एडीडी एड को कॉल करता हूँ यहाँ पे। एड को कॉल करने के बाद मैं यहाँ से मैं आस्क डायरेक्टरी नाम के जो फोल्डर है उसे कॉल करता हूँ। इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमें वो पाथ वगैरह सब कुछ देके यहाँ पे काम चलाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे कुछ नहीं देने वाले हैं। हमारे पास ये एड फंक्शन है, ये एड फंक्शन अपने आप अपना जो डेटा है वो लेके आ जाएगा। एंड इसके बाद में मैं एक काम करने वाला हूँ, इसको प्रिंट करने वाला हूँ, किसे, एड को प्रिंट करने वाला हूँ। एक बार मैं एड्रेस आपको दिखाता हूँ कि किसी भी फोल्डर का एड्रेस कैसे आता है, राइट। तो मैं यहाँ पे पाथ नाम का जो फंक्शन है फाइल पाथ का, इसको कॉल करूंगा, और ये कहाँ से कॉल होगा हमारे पास, इस तरह से, ये जो पाथ वाला बटन है यहाँ पे जाएंगे। देन इसके अंदर हमें क्या करना है, कमांड को पास कराना है, तो मैंने कमांड को पास कराया, कंपाउंड नहीं, मैंने यहाँ पे कमांड को पास कराना है, तो मैंने कमांड को पास कराया और कमांड के अंदर मैंने क्या दे दिया, फाइल का पाथ। चलिए अब एक बार फाइल का पाथ लेके आते हैं कि फाइल का पाथ कैसे लेके आते हैं। तो ये मेरा बटन, और मैं पाथ के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जाने के बाद मेरे पास डी ड्राइव में जाऊंगा, और डी ड्राइव में जाने के बाद पाइथन प्रोजेक्ट का मुझे लेके आना है, और मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट करूंगा। तो सेलेक्ट करने पर देखिए डी ड्राइव के अंदर जाएंगे, डी ड्राइव के अंदर फाइल प्रोजेक्ट पाथ वगैरह सब कुछ मेरे पास यहाँ पे आपके पास सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एड्रेस गेट करने का तरीका आपके पास आ गया, राइट। ये एड्रेस आ चुका है एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, राइट। तो ये एड्रेस आपको मिल चुका है यहाँ से, और ये एड्रेस कहाँ सेव हो जाएगा, ऐड नाम के इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास क्या है, फाइल को सेव करना है। तो यहाँ पे सेव आपके पास अंडरस्कोर फाइल के नाम से मैं दोबारा वही फंक्शन तैयार करता हूँ, मैं सेव फाइल फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे, राइट। तो सेव फाइल फंक्शन यहाँ पे क्या करने वाला है कि आपके पास जो नीचे से आ रहा है यहाँ पे टाइम और मुझे क्या चाहिए, पाथ, दो चीज़ें चाहिए, और एक बटन के क्लिक करने पर ये काम होना चाहिए, बटन के क्लिक करने पर सेव फंक्शन काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो कमांड है वो कमांड जो पास करूँगा, और यहाँ से मेरे पास जो सेव फाइल फंक्शन जो मैंने अभी अभी बनाया है उसका मैं कमांड पास कर देता हूँ, राइट। ये बटन पास करने पर सेव कमांड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे बटन से क्या क्या चीज़ें ले जानी है, एक तो आपका SCC मतलब एंट्री लेकर जानी है यहाँ से, और सेकेंड चीज़ मुझे क्या लेके जानी है यहाँ पे, आपके पास ये जो पाथ है वो पाथ लेके जाना है, बस दो ही चीज़ें लेके जानी है और कोई काम नहीं करना है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और ग्लोबल वेरिएबल मैं किसे बनाऊंगा यहाँ पर, SCC मतलब जो मेरे सेकंड है यहाँ पर उसे बनाऊंगा। तो मैं SCC के नाम से मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, वेर इज SCC, तो ये SCC जिसके नाम से वेरिएबल बनाया है, मैंने इसको ग्लोबल वेरिएबल डिज़ाइन कर दिया है। अब मेरा नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पर कि SCC का जो डेटा है वो गेट करूँ। मैंने टाइम नाम से एक वेरिएबल बनाया जो कि मेरे पास क्या करेगा, SCC से डेटा गेट करेगा। तो मैंने SCC डॉट यहाँ पे गेट फंक्शन को कॉल किया है,
राइट। और गेट फंक्शन को कॉल करने के बाद ये जो डेटा आएगा वह एज ए स्ट्रिंग आने वाला है मेरे पास डेटा। इस एज ए स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ये मैं कन्वर्ट करूंगा अपने पास स्ट्रिंग के अंदर। तो str मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मेरा डेटा किस में आना है, स्ट्रिंग में आने वाला है, तो मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। इन केस यदि ये डेटा आपके पास इंटीजर फॉर्मेट में नहीं आता है, यहाँ पे कोई भी एरर आ जाती है, तो इस एरर को बचने के लिए मुझे ट्राई और एक्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्राई और एक्सेप्ट लगाऊंगा ताकि मेरे पास कोई एरर ना आए। और ट्राई के अंदर ये सारा काम डालूंगा और एक्सेप्ट के अंदर यस मैं यहाँ पे एक्सेप्ट दूंगा और एक्सेप्ट के अंदर एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा जो कि वार्निंग मैसेज होगा। चलिए शो इन्फो के पास जाते हैं और शो वार्निंग मैसेज को लेके आते हैं राइट। और शो वार्निंग मुझे क्या करना है, यहाँ पे शो वार्निंग देनी है और वार्निंग के अंदर टाइटल देना है सबसे पहले। तो मैंने टाइटल दिया है, टाइटल क्या दिया है, रॉन्ग टाइम, तो ये टाइम से रिलेटेड है यहाँ पे, मैंने टाइम डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, मैसेज मुझे पास कराना है और मैसेज में क्या लिखूंगा यहाँ पे, रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ टाइम राइट। तो WRONG रॉन्ग आपके पास फॉर्मेट रॉन्ग फॉर्मेट टाइम राइट, रॉन्ग फॉर्मेट हमने टाइम दे दिया यहाँ पे राइट। ये एक वार्निंग आ गई। ठीक है, यदि आपके पास यहाँ पे किसी ने इंटीजर नहीं डाला है यहाँ पे, तो ये चेक करेगा और चेक करके हमें एरर मैसेज दे देगा। मतलब यहाँ पे आपका इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हुआ इन केस, तो आपके पास एक एरर मैसेज आ जाना चाहिए, काम हमारा रुकना नहीं चाहिए राइट। तो ये हमारा टाइम आ चुका है। टाइम आने के बाद में मुझे इस एड को भी तो कॉल करना है, तो इस एड को कॉल करने के लिए हमारे पास इसको ग्लोबल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे ग्लोबल करूँगा और ग्लोबल ऐड कर दूंगा ताकि मैं इसे कॉल कर सकूँ। और ये जो आपके पास एड्रेस है, इस एड्रेस को सेव कर लेते हैं राइट। तो मैंने ADDR के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है जो कि क्या करेगा, ADD एड्रेस को कॉल करेगा। अब मुझे फाइल बनानी है जिसके अंदर मेरे फाइल सेव होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड हमने ये सारा जो रिकॉर्डिंग है ये हमने पहले लिख रखी है कोड को। तो इस कोड को कॉपी करते हैं और हमारे पास ऊपर ले जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। चलिए अब मैं इन सबको यहाँ से हटाता हूँ और सबसे पहले जहाँ स्टार्टिंग मेथड लगाया था, स्टार्टिंग मेथड में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक शो इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ लगाता हूँ सो इन्फो। तो मैंने लिखा है सो इन्फो राइट, सो इन्फो, और इन्फो के अंदर मुझे टाइटल देना है। टाइटल में क्या लिखना है यहाँ पर, स्टार्ट, तो START स्टार्ट, और स्टार्ट के अंदर मुझे मैसेज लिखना है, और मैसेज में क्या लिखेंगे यहाँ पर, REC मतलब रिकॉर्डिंग जो है आपके पास स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है राइट। और जहाँ पे एंड हो रहा है आपके पास यहाँ पर, वहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो सो इन्फो को कॉल करूँगा। इन्फॉर्मेशन दी है मैंने यहाँ पे, क्या दिया है यहाँ पर कि पहला तो मेरा टाइटल, और टाइटल के अंदर क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टॉप या फिर एंड राइट। एंड हो रहा हमारा, वैसे स्टॉप तो हम कर नहीं रहे, तो वही हम मैसेज पास करेंगे। तो मैसेज क्या लिखाएंगे यहाँ पर, REC रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप हो चुकी है राइट। ये दोनों मैंने पास करा दी। अब REC जो है उसमें रिकॉर्डिंग ऐड होगी, साउंड वेट होगा, और यहाँ पे एड्रेस के अंदर मेरा सेव हो जाएगा। तो एड्रेस मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। ये एड्रेस कहाँ से आया, इस एड नाम से वेरिएबल के अंदर आया, एड नाम से वेरिएबल के अंदर आएगा। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो इस तरह से दिखाई देगा आपके पास, बैकवर्ड स्लैश वगैरह इस तरह से दिखाई देगा राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और यहाँ पे एक तो मुझे बैकवर्ड स्लैश लाना पड़ेगा, एक फॉरवर्ड स्लैश और एक बैकवर्ड स्लैश यहाँ पे लेके आएंगे राइट। ये बैकवर्ड स्लैश आ जाएगा मेरे पास राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस करूंगा मेरे पास जिस फाइल से मुझे सेव करना है, जिस फाइल से मुझे नाम सेव करना है, तो फाइल का नाम मुझे देना पड़ेगा। नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे डेमो, आपके पास demo.wav, यस मैं यहाँ पे demo.wav यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो ये मेरा एड्रेस आ चुका है, तो जहाँ पे एड्रेस देना चाहिए था वहाँ मैं इसे हटाऊंगा और ADDR एड्रेस रखूंगा। और SEC की जगह मुझे क्या इस्तेमाल करना है, टाइम का इस्तेमाल करना है, तो मैं SEC की जगह टाइम का इस्तेमाल किया है यहाँ पे राइट। और ये पूरी रिकॉर्डिंग मेरा स्टार्ट हो चुकी है और पूरा जो मेरा प्रोग्राम है वो फिनिश हो चुका है राइट गाइस। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एक बार और मैं अपने इस प्रोग्राम को चलाने वाला हूँ राइट। चलिए तो मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो प्रोजेक्ट को रन करते ही देखिए मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, 10 सेकंड के लिए चलाऊंगा और नेक्स्ट चीज़ मुझे मेरा पाथ देना है। तो पाथ मैं कहाँ देने वाला हूँ अपना, ये देने वाला हूँ, पाथ दे रहा हूँ मैं PyCharm पाइथन प्रोजेक्ट के ऊपर, क्लिक किया सेलेक्ट पाइथन प्रोजेक्ट के ऊपर आ गया एंड देन मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। REC स्टार्ट हो चुका है, मेरी रिकॉर्डिंग चलनी स्टार्ट हो चुकी है। आफ्टर 10 सेकंड के बाद में मेरी रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगी और मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा आपके पास राइट। तो वेट करते हैं यहाँ पे 10 सेकंड। ओके रिकॉर्डिंग मेरी स्टॉप हो चुकी है, फिलहाल मैं इसे क्लोज करता हूँ और जहाँ मैंने दे रखा है वहाँ चल के देखते हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है। तो मैं PyCharm प्रोजेक्ट में आता हूँ और ये रही मेरी demo.wav के नाम से फाइल है और इसे एक बार रन करके देखते हैं क्या ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आपके पास एक मैसेज आ जाएगा आपके पास राइट। तो वेट करते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड।
बिल्कुल, यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। चलिए एक बार और इसका डेमोस्ट्रेशन देखते हैं, मैं रन करता हूँ यहाँ पर, इस बार किसी और फोल्डर के अंदर से रन करके देखते हैं। राइट, मैं इस बार यहाँ पे फिर से मैं 10 सेकंड के लिए चलाने वाला हूँ। पाथ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और जो मेरा पाथ है वो इस बार मैं एक काम करता हूँ, PPT को सेलेक्ट कर लेता हूँ। PPT के अंदर मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है, मैं PPT को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट फोल्डर, और इस बटन को जैसे ही बटन दबाऊंगा ना मेरे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए 10 सेकंड तक मैं आपसे बातें करता हूँ। हाय, कैसे हो आप सब, और WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। और 10 सेकंड के बाद मैं मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे इसका वादा है। चलिए 10 सेकंड हो गए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है, तो अब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। यस, कंप्लीट हो गई है। राइट, देन मैं ओके प्रिंट करूंगा और इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं वापस चलता हूँ और मेरे पास जो PPT नाम का फोल्डर है वहाँ पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो मैं PPT में चलता हूँ। ये रही demo.wav के नाम से मेरे पास बन चुकी है और मैं इसे ओपन करके देखता हूँ क्या मैं आपसे जो बातें कर रहा था वो इसके अंदर रिकॉर्डिंग है क्या। यस, चल के देखते हैं इसे, तो ये प्ले हो रहा है। 10 सेकंड के बाद मैं मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे इसका वादा है। चलिए 10 सेकंड हो गए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट। ओके, चलिए तो इसने 10 सेकंड तक आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो हमें कंप्लीट करके दे दी। तो ये पूरा एक कोड था जिसके जरिए हमने क्या किया, हमारा जो रिकॉर्डिंग है उसका हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो हमने बिल्ड किया विद GUI के साथ में। आप भी इस तरह से अपना एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं और आप भी अपने एक सेल्फ रिकॉर्डर यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे हम यहाँ पर, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। टिल देन,